हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मेश होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगी, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज। बहुत समय से आप लोग बोल रहे थे कि मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊं, तो आज की इस वीडियो में मैं रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन के बारे में, जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज में जो एनिमिकल रेमेडीज होती है, यानी वो रेमेडीज जिसको एक दूसरे के साथ नहीं दिया जाना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, और साथ के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर दे दिया है, प्रॉब्लम्स आने लग गई है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज में बहुत तरह के होम्योपैथी के रिलेशंस होते हैं, जैसे कि कोई दवा आपने दिया है उसके बाद आप कौन सी दवा दे सकते हैं, कौन सी दवा उसके एक्शन को कम्प्लीट करेगी, कौन सी दवा उसके एक्शन को इन्हांस करेगी, कौन सी दवा उसके एक्शन को खत्म कर देगी, और कौन सी दवा उसके एक्शन को और ज्यादा एग्रवेट कर देगी या बिगाड़ देगी। इसी आधार पर जो कैटेगरीज हैं वो बनी हुई हैं, जैसे रेमेडीज दैट फॉलो वेल, रेमेडीज दैट आर फॉलोड बाय, देन एंटीडोट रेमेडीज, कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज एंड द इनिमिकल वंस, जिसको हम इनकम्पैटिबल रेमेडीज के नाम से जानते हैं। तो ये जो दवाइयाँ होती है होम्योपैथी की, इनका जो रिलेशन है, इनके ऊपर बहुत ही एक्सटेंसिव वर्क किया था डॉक्टर गिब्सन मिलर ने, और उन्होंने कैटेगरीज बनाई थी। ये सारी जो कैटेगरीज हमने डिस्कस की, ये सारी कैटेगरीज डॉक्टर गिब्सन मिलर की बनी हुई है। इसमें सबसे जरूरी चीज़ है जो ये जाननी है कि जो इनकम्पैटिबल रेमेडीज होती हैं वो क्या होती हैं, और क्यों एक दवा अगर दे दिया तो उसकी जो इनकम्पैटिबल रेमेडी है उसको नहीं देना चाहिए, जो एनिमिकल है उसको नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने पहले अर्टिकेरिया के लिए मैंने रस्टॉक्स लिया था और उससे थोड़ा बहुत मुझे आराम मिला था, मुझे अर्टिकेरिया की एक और दवा पता थी जो एपिस मेलिफिका है, तो मैंने वो ले ली और उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी, जब मेरा अर्टिकेरिया जो सुधर रहा था वो और बिगड़ गया, प्रॉब्लम और बढ़ गई मुझे, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो अर्टिकेरिया है उसमें दोनों ही रेमेडीज इंडिकेटेड थी, रस्टॉक्स भी आती है, एपिस मेलिफिका भी आती है, लेकिन दोनों दवाइयां एक दूसरे की एनिमिकल हैं क्योंकि एक ही जैसा दोनों का एक्शन है। तो बाय डेफिनेशन अगर हम जाएं तो एनिमिकल रेमेडीज का मतलब ये होता है जिनका सिमिलर एक्शन होता है, बट वो दोनों एक दूसरे के साथ काम करना पसंद नहीं करती है, उनका आपस में कॉम्पिटिशन होता है, एक दूसरे से दूर भागना चाहती है, या उनके अंदर की जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनके जो इन्ग्रीडियंट्स हैं, वो कुछ ऐसे हैं कि जो एक दूसरे के इफेक्ट को खराब करते हैं। जैसे दो बिजनेसमैन होते हैं और दोनों का अगर सेम काम है, सेम जॉब है, सेम प्रोफेशन, लाइक किसी की मोबाइल शॉप है, दोनों का अगर मोबाइल शॉप है तो उसमें कंपटीशन रहेगा, तो एक दूसरे से वो दूर रहना चाहेंगे, मतलब उनकी आपस में बहुत ही कम देखने को मिलता है, वो बनती है। लेकिन अगर एक मोबाइल की शॉप है, एक किसी और किराने की शॉप है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वही कॉम्पिटिशन यहाँ पे आ जाता है। तो जो एनिमिकल रेमेडीज होती है वो दोनों एक दूसरे की कॉम्पिटिटिव होती है, सिमिलर एक्शन होता है, बट वो एक दूसरे के साथ काम करना पसंद नहीं करती है। तो आज हम वो लिस्ट जानते हैं कि कौन कौन सी दवाइयां हैं जिनको आपको एक दूसरे के साथ बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। सबसे पहले ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि जो ये रेमेडीज होती हैं इनको देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन दिया है, पूरा ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट किया है, पूरी हिस्ट्री लेने के बाद कोई दवा का चयन किया है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो सिलेक्शन में आपकी नक्स वामिका आई है, तो नक्स वामिका देने के बाद आप इग्निशा नहीं दे सकते हैं। तो क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि दोनों का सिमिलर एक्शन है। तो इसी तरह से और दवाइयां हैं। अब सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट दवा है, वो है यही जो रस्टॉक्स एंड एपिस मेलिफिका, इन दोनों का सिमिलर एक्शन होता है इरप्टिव डिजीजेस में, स्किन पर अगर इरप्शंस हो रही हैं किसी भी तरह की, अर्टिकेरिया में भी बहुत अच्छा काम करती है, इसके अलावा शरीर पे जो छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं उनके केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है, तो स्किन की कंडीशंस में इनका सिमिलर एक्शन होता है। तो इसीलिए एपिस मेलिफिका अगर दिया है तो रस्टॉक्स नहीं दे सकते, रस्टॉक्स दिया तो एपिस मेलिफिका नहीं दे सकते। दूसरी दवा की बात करते हैं जो मैंने जस्ट अभी बताया कि नक्स वामिका और इग्निशिया, इन दोनों का ही जो एक्शन होता है वो मेंटल सिम्टम्स पर सिमिलर होता है, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा मार्क्ड होती है, तो नक्स वामिका और इग्निशिया को एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के आगे पीछे नहीं देना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कॉस्टिकम एंड फॉस्फोरस। अब आप गेस करिए कि इन दोनों का सिमिलर एक्शन किस में होता है? इन दोनों का सिमिलर एक्शन होता है आपके पैरालिसिस के ऊपर, यानी अंगों के जो जो डिसफंक्शन हो जाता है उनके काम करने में, उनमें इन दोनों का ही सिमिलर एक्शन होता है। इसलिए अगर आपने पैरालिसिस के केस में पहले कॉस्टिकम दे दिया है तब आपको उसको
थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट मिल गया, लेकिन आपने सोचा कि चलो अब इसको फास्फोरस देकर के कंप्लीट कर देता हूं, तो वहां पर वो गलत हो जाएगा। तो कॉस्टिकम और फास्फोरस को आपको एक साथ नहीं देना है। एक और इंपॉर्टेंट दवा आती है जो कि फीमेल्स के केसेस में हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी फीमेल अगर हमारे पास आती है और बोलती है कि उसको मेंसेस बहुत गड़बड़ होते हैं, इरेगुलर होते हैं, फ्लो बहुत आता है, टाइम से नहीं आता, या बहुत तरह की तकलीफें वो बताती रहती है, तो हमारे दिमाग में दो दवाइयां फटाफट से आ जाती हैं। ये पॉलीक्रिस दवाइयां हैं, ये दवाइयां हैं जो बहुत सारी फीमेल्स को दी जाती हैं और बहुत हद तक ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स यानी हार्मोनल इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्पफुल होती हैं। ये दोनों दवाइयां हैं सीपीआ एंड पल्सेटिला। वैसे ऐसे कहा जाता है कि जो पल्सेटिला होती है यंग एज में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तब दी जाती है, और जो सीपीआ होता है वो एक 30, 35 या 40 ईयर्स के बाद क्लाइमेक्टिक फेज जब शुरू होने वाला होता है तब के केस में दी जाती है। बट अगेन सीपीआ एंड पल्सेटिला को आप एक दूसरे के आसपास नहीं दे सकते। यानी अगर आपने पल्सेटिला दे दिया, थोड़ा बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस में इंप्रूवमेंट आ गया, तो आपको याद आएगा कि दूसरी जो हार्मोनल इम्बैलेंस की दवा है लाओ सीपीआ दे देता हूं, वो आपको नहीं करना होता है। सिमिलरली अगर आपने सीपीआ दिया और उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया और उसके बाद लगा कि अगली जो दवा हो जो इसको कवर कर सकती है लॉ में पल्सेटिला दे देता हूं, तभी भी आपको ये नहीं करना। तो ये जो दवाइयां हैं आपस में इनिमिकल है, इनके बहुत ही सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट दवाइयां हैं जो आपको नहीं लेनी है, वो है अमोनियम कार्ब एंड लैकेसिस। ये दोनों दवाइयां ही आपस में एनिमिकल हैं। लैकेसिस और अमोन कार्ब को अगेन हम हार्मोनल इश्यूज में देते हैं, स्पेशली पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स में देते हैं, या पीरियड से पहले पीरियड्स के बाद में कुछ समस्या आती हो तब हम देते हैं, और अगेन इन दोनों दवाइयों को एक दूसरे के आगे पीछे नहीं देना चाहिए। सोराइनम एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा जो स्किन के कंडीशन में दी जाती है। सोराइनम को हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं, स्किन बहुत ड्राई है, स्किन में विंटर्स में आने में प्रॉब्लम होती है, सोरायसिस के केस में, एक्जिमा के केस में मल्टीपल यूजेस है इस दवा के। और सिमिलरली जो दूसरी दवा है वो एपिस मेलिफिका है, तो सोराइनम और एपिस मेलिफिका को भी एक दूसरे के आसपास नहीं देना चाहिए। एक और दवा है सोराइनम के साथ जो नहीं देना चाहिए, वो है डलकामारा। डलकामारा इज अगेन अ वेरी गुड रेमेडी फॉर एक्जिमा, डैम्प वेदर्स में जिसमें एग्रेवेशन होती है, या डैम्प वेदर एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है, तो सोराइनम और डलकामारा को भी साथ में नहीं देना चाहिए। इसी तरह से लीडम पॉल और चाइना, ये दोनों दवाइयां भी साथ में नहीं दी जाती हैं। लीडम पॉल को ज्यादातर केसेस में जो वाइटल फ्लूड का लॉस होता है तब उसमें ये दोनों दवाइयां इंडिकेटेड होती हैं, तो लीडम पॉल अगर दिया है तो आपको चाइना नहीं देनी है, अगर आपने चाइना दिया तो आपको लीडम पॉल नहीं देना है। सिमिलरली एकोनाइट एक बहुत फेमस दवा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है, तो एकोनाइट अगर आपने दिया है तो आपको एसिटिक एसिड नहीं देनी, और एसिटिक एसिड दिया है तो आपको एकोनाइट नहीं देना। ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब आप कोई भी मेडिसिन देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एनिमिकल अगर आपकी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं भी हो तो काम चल जाएगा, अगर आपकी फॉलो वेल नहीं हुई तभी भी हो सकता है कि आपको असर ना दिखे लेकिन प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने जो इनकम्पेटेबल मेडिसिन दे दी, एनिमिकल मेडिसिन दे दी, तब आपको बहुत एग्रीवेशन हो सकती है, सिम्टम बिल्कुल गड़बड़ा सकते हैं, और हो सकता है कि कोई और दूसरी दवा भी काम ना करे, तो इसका ध्यान रखना है। तो जब भी हम पेशेंट से केस चेकिंग करने के बाद कोई दवा देते हैं, जब नेक्स्ट कंसल्ट में आता है, तो हम जब दूसरी दवा का इंडिकेशन होता है तब हम उसको देखते हैं कि वो क्या वो इसकी एनिमिकल तो नहीं, देन ऑनली उसका इंडिकेशन हम करते हैं। अब इंडिकेशन कई बार ऐसा होता है कि जो दवाई होती है जब आप दूसरी बार उसको फॉलोअप करते हैं तो जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं उसके एनिमिकल मेडिसिन के ही आ रहे होते हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? तो उस केस में हमें एक ऐसी दवा का चयन करना चाहिए जो उसके सिम्टम्स मिलते भी हों, एनिमिकल हो, तो हमें नहीं देना है, हमें दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा, हमें दूसरे तरीके से केस टेकिंग करनी होगी, और हम एनिमिकल रेमेडी के अलावा दूसरी मेडिसिन को चयन करेंगे। तो अगर आपके सिम्टम में भी उसकी एनिमिकल रेमेडी आ रही है, सिम्टम सिमिलैरिटी उसके एनिमिकल रेमेडी को कवर कर रही है, तभी भी आप उसको नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर किसी ने ये दवा ले ली है, अगर किसी ने नहीं जानकारी थी उसको और उसने वो एंटीडोट ली, उसकी एनिमिकल रेमेडी ले ली है, तब आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना होता है, दोनों ही दवाइयों को बंद कर देना होता है और कुछ समय तक वेट एंड वॉच करना होता है। थोड़े समय के बाद जब सिम्टम थोड़े से सेटल डाउन होने लग जाएंगे, 1 से 2 हफ्ते के बाद, तब दोबारा से उसकी केस टेकिंग करनी होती है, दोबारा से सिम्टम्स की टोटैलिटी निकालनी होती है, और उसके बाद जो सिम्टम को मैच करने वाली जो दवा होती है वो देनी होती है। मेरे पास ये बुक है जिसको मैं अक्सर फॉलो करती हूँ जब भी पेशेंट्स के केस टेकिंग के बाद जब हमें देखना होता है कि कौन से दवा देनी है, तो हमारी जो बोरिक है जो कि हमारी जान होती है होम्योपैथी में, ये जो दवा, ये जो लास्ट के जो फ्यू पेजेस में आप देखेंगे, ये लास्ट के फ्यू पेजेस में बोरिक में यहाँ पे दिया हुआ है रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज विद ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन।
इसमें ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन भी लिखा है कि कितने समय तक कौन सी दवा काम करती है, यानी अगर आपने कोई दवा दे दी तो कब तक आपको वेट करना है दूसरी दवा देने के लिए। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। और हम सबसे पहले कोई जब कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देते हैं, बड़ी दवा देते हैं, बड़े पावर में देते हैं, तब ये इनिमिकल रिलेशन जानना और उसको यूज करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सभी होम्योपैथ जो इसको यूज करते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देते हैं, रैंडम मेडिसिन आई तो कोई सिम्टम के आधार पर आप इलाज करते हैं, दो चार सिम्टम लिए और जो समझ में आए वो दवा दे दी, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप एक ट्रू होम्योपैथ हैं, होम्योपैथी के लॉ को फॉलो करते हैं, तो जरूर एनिमिकल रेमेडीज का ध्यान में रख करके ही आप दवाइयां देंगे और उसी से आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो केस आपका हाथ से चला जाएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत ही एग्रेवेशन हो सकती है और अगेन कोई दवा आप देंगे तभी भी वो काम नहीं आएगी। तो एनिमिकल रेमेडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन होम्योपैथी और रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी हमेशा ही काम करती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो एक दूसरे के साथ नहीं देना चाहिए। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।